नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन से किसी को डेटा देते हैं यूज करने के लिए, जैसे अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया और दो लोग आपके फ़ोन का डेटा वाईफाई के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो इस केस में प्रॉब्लम होती है कि वो पूरा का पूरा डेटा आपका ख़त्म हो जाता है, यानी डेली की जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलता और सामने वालों को भी पता नहीं चलता कि कितना डेटा उसने यूज कर लिया है। तो इस तरह की दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए आप एक छोटा सा ऐप यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यूज कैसे करना है समझ लीजिए। मैंने उसे ऑन कर दिया, उस ऐप को। वाईफाई हॉटस्पॉट मीटर है, यहाँ पे क्लिक करिए और सिंपल आपको यहाँ पे लिमिट डिफाइन करना है कि कितने MB डेटा आप देना चाहते हैं वाईफाई में लोग यूज़ कर सकें। कितने भी फ़ोन्स हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 MB डिफाइन कर दिया कि 100 MB डेटा ही वाईफाई से कनेक्ट होकर कोई यूज कर सके, और उसके बाद से मुझे यहाँ पे ओके कर देना है। देन आपको ये ऐप बंद कर देना है। अगर अब मैं इस हॉट स्पॉट को ऑन करता हूँ और दूसरे फ़ोन में जिस पे मैं वाईफाई से इसे कनेक्ट करूँगा, मैंने वाईफाई ऑन कर लिया दूसरे फ़ोन में, आप देख सकते हैं वाईफाई एक वन डिवाइस कनेक्टेड यहाँ दिखा रहा है। एंड देन मैं उस फ़ोन में यूज करूँगा डेटा और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा क्या डेटा ख़त्म हुआ, कंज्यूम हुआ है। फिर मुझे वाईफाई हॉट स्पॉट मीटर पे क्लिक करना है और जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आप एक फ़ोन कनेक्ट है, 100 MB की लिमिट है। अब जैसे मैं उस फ़ोन में कुछ भी एक्सेस करता हूँ, चाहे गूगल खोलता हूँ, चाहे यूट्यूब खोलता हूँ, चाहे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंटिंग दिखा रहा है कि कितने MB डाटा यूज हो रहा है। मैं कोई वेबसाइट कुछ भी ओपन करता हूँ तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक जितना भी डेटा कंज्यूम होता है, यहाँ देख सकते हैं 92। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे यूज करता जाऊँगा वैसे वैसे वो यहाँ पे देखिए 1 MB समथिंग। तो इस तरह से जैसे ही वो 100 MB कम्प्लीट हो जाएगा डाटा ट्रांसमीटर रुक जाएगा और आप कितने भी फ़ोन कनेक्ट कर लें अपने वाईफाई से, आप उतने ही डाटा के बिलो सामने वाला यूज कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए। अगर आप चाहें तो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाऊँगा की सुविधा के लिए। मिलूँगा फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।